Subscribe to Ibrahim Kasmi channel and like share the video. सुबह से शाम तक 50 बार और 100 बार नहीं होता बल्कि सैकड़ों और हजारों की मकदार में और तादाद में होता है कि सुबह से शाम तक हजारों बच्चे एक साथ हजारों मरतबा एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। एक मरतबा में दारुल देवबंद की एक छत पर गर्मी के दिनों में अपने पढ़ने के जमाने में लेटा हुआ था। सुबह को एक उस्ताद उठाने के लिए तशरीफ लाए, उनके उठाने का अंदाज देखा, वली साहब उठिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वली साहब उठिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वली साहब उठिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद उलमाए देवबंद। ये है उलमाए देवबंद। लोग कहते हैं उलमाए देवबंद दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ वो उलमाए देवबंद का नाम भी ना ले जो दरूद शरीफ नहीं पढ़ता। वो उलमाए देवबंद में जैसे नहीं हो सकता जो दरूद शरीफ में पढ़ता। हम उलमाए देवबंद की तो पहचान ही दरूद शरीफ है। हमारा ओढ़ना दरूद शरीफ, हमारा बिछोना दरूद शरीफ, हमारी पहचान दरूद शरीफ, हमारी सुबह दरूद शरीफ, हमारी शाम दरूद शरीफ, हमें लोग जानते हैं दरूद शरीफ से, हम पढ़ते हैं दरूद शरीफ, हमारा वजीफा है दरूद शरीफ, हम अपने मसाइल को अल्लाह के सामने रखते हैं तो बवास्ता है दरूद शरीफ। इसलिए मेरी बेटियों बच्चियों बहनों और मेरे भाई अज़ीज़ो उलमा, मैं आपसे अर्ज करता हूँ दरूद शरीफ का 500 मरतबा का ये अज़ीम शान अमल जिंदगी के एक दिन भी ना छूटे। जिस दिन निकाह का दिन हो उस दिन भी ना छूटे, जिस दिन अल्लाह ना करे घर से किसी कोई गम का हाल हो उस दिन भी ना छूटे। आप यकीन जानिएगा, यकीन जा मैं बात को खत्म करते हुए बस दो आपको बताता हूँ। मुझे दो बातों से अपनी मगफिरत की कुछ उम्मीद हो जाती है। जब मैं दो बातों पर गौर करता हूँ तो मुझे कुछ मगफिरत की उम्मीद हो जाती है और मुझे लगता है कि शायद ये दो बातें अल्लाह के फजल से मेरी भी मगफिरत का सहारा बन जाए। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को रहमान और रहीम पूरे यकीन और पूरी पुख्ता यकीन के साथ जानता हूँ कि अल्लाह रहमान और रहीम है और मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन दो चीज़ों के मुतालिक ये उम्मीद है कि शायद मुझ पर भी अल्लाह का करम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर करम हो जाए। इसलिए मेरे बच्चियों आप भी चाहती हैं कि आपको ये नेमतें मिले कि ये चार अज़कार जो मैंने आपको बताए हैं इनको करें। जब आपको दरूद शरीफ में पुख्तगी हो जाएगी तो दरूद शरीफ को चुके मसल्ले पर बैठकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इस तसव्वुर और ख्याल के साथ पढ़िएगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में बैठे हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान बारगाह में बैठे हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजर करम के साथ हमारे सामने तशरीफ फरमा है, जलवा अफरोज है, हम उनके कदमों की खाक बनकर उनके कदमों में बैठे हुए हैं और हम हमारी जबान पर दरूद शरीफ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुबारक से नूर निकलता है और दूध की शक्ल में नूर निकलता है और वो मेरे कल्ब के अंदर मेरे दिल के अंदर दाखिल होता है। जब आप इस तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा ये मशायख का बताया हुआ तरीका है और ये दरूद शरीफ की तादाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदरियाए ख्वाब इरशाद फरमाई है। जब इस तरह से इस तादाद को पढ़ेंगे तो उलूम दिनों के अंदर सरायत कर जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी आदतें, आपके अखलाक, आपके चेहरे मोहरे, आपकी बातचीत के अंदाज, आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपके घर वालों तक के लिए अगर आप दुआएं करेंगे, इस गांव वालों के लिए अगर दुआएं करेंगे, मैं कहता हूं अभी इस इलाके में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां बड़ी रूहानियत और नूरानियत महसूस होती है लेकिन जब इस मदरसे की 200 बच्चियां इस नाले दरूद शरीफ को पढ़ेंगे तो गांव के वो लोग भी जो चाहे नमाज ना भी पढ़ते हो जब वो मदरसे की तरफ निगाह उनकी रातों को उठा करेगी तो वो कहा करेंगे कि इस मदरसे से हमें अजब किस्म का नूर महसूस होता है और ये नूर दरअसल दरूद शरीफ का नूर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी कबूल फरमाए, आपके जूतों के सदके अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए।